आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते रहिए, जितने दोस्त की जितनी कुर्बानियों की जरूरत होगी हम आपके आगे खड़े होकर अपनी कुर्बानियां देंगे। आपको किसी भी विकट परिस्थिति में अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हर युवा अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। तो कहीं पर भी ऐसी नौबत आती है जहां पर आपको ये लगे कि सरकार अपने तमाम एजेंडे अपना चुकी है और अब आखिरी समय आ गया, तो हम आपके आगे खड़े मिलेंगे, आपसे पीछे नहीं हटेंगे। अब बात आती है कुछ एक बार समय से चल रहे हैं, जिस प्रकार किसान नेता राकेश टिकैत जी ने एक बार भाषण दिया था कि हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे अगर सरकार अपनी बात नहीं माननी। तो उन्होंने वो बात सिर्फ सर छोटू राम के कही हुई बात को रिपीट किया था। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम लोग अपनी फसल को भाई दें, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से साथियों की वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से साथी अपनी खड़ी फसलों को भा रहे हैं, तो भाई ऐसा ना करें। अपने आसपास कोई ऐसा तो उसको समझाओ। उनका कहने का मकसद सिर्फ ये था, सरकार को चेतावनी देना था। सर छोटू राम ने जिस टाइम पे ये बात कही थी उस टाइम पर अगर हम अपनी फसल को आग लगा देते थे तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है, सरकार के पास 2-3 साल का स्टॉक एडवांस है। हमारी फसल खराब करने से हमारा ही नुकसान, हमारे आसपास के हमारे भाइयों का नुकसान है। हम जमीन को अपनी माता मानते हैं, तो हम ऐसा ना करें। अन्नदाता कभी किसी को भूखा नहीं रख सकता। हमारा विरोध करने के तरीके और बहुत है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिस प्रकार से हम सरकार को मना सकते हैं, और सरकार झुकने के लिए तैयार हो रही है। आपने अपना स्टैंड क्लियर रखना है, आपने तीनों बिल वापिस करवाने हैं और कृषि पे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवानी है। सीटू प्लस 50% के अपनी MSP लेनी है। अपनी ये मांगे सीधे रूप से आपा मनवाए लेंगे। सरकार पे आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से मनवाए रखना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब करने की सोच रहे हैं। बहुत से लोगों ने इसका मतलब अपनी बात का गलत फायदा उठाया। 26 जनवरी पे जो ऐसा हो गया, एक सरकार का प्रोपेगंडा था। जिस प्रकार पहले जाट आरक्षण में सरकार ने वो आग लगाई थी, वही काम इंस्टॉल किया था। लेकिन अब की बार लोग समझदार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। युवा जागरूक हो चुका है, आप लोग सिर्फ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते रहिए। आगे सरकार को झुकाने का काम हम लोग करेंगे। युवा हर खून का कतरा देने के लिए तैयार है। आप लोग अपने हाथ हमारे सिर पर ऐसे ही बनाए रखें। सही बात। इस स्टेज के माध्यम से मैं सरकार को एक बात बताना चाहता हूँ। सरकार अगर पेट्रोल के डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ाएगी तो हम लोग भी हमारा दूध पानी देना बंद कर देंगे, और देंगे तो पेट्रोल से 1 रुपए कीमत एक्स्ट्रा लगा के देंगे, कम नहीं देंगे उससे। पेट्रोल अगर 100 रुपये मिलेगा तो दूध 101 रुपये लीटर देवा में आपा उन्हें जब जाएगा। हम गायब हो अपना बहुत से ऐसे कंडीशन में सरकार ने चुना है इसका। तो मेरी सभी साथियों से विनती है, जितने मेरे युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जीन जिला से या बाहर से जहाँ से भी हैं, जहाँ पर भी हमारी जरूरत होगी हम इनके बुलाने से पहले खड़े मिलेंगे। वहाँ पे बॉर्डर पे चलो, जहाँ पे जा जाए टोल पाओ जड़ा जाना पड़ा है, जित भी नदी क्या उठा जाम लाना है, उठा नजर ना है, तो सबसे पहले युवा ने इकट्ठा होना है, युवा ने आगे लगना है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं कहूंगा मैं उंगराई पे। बहुत से प्रोग्राम आज युवाओं का दिन है, आज फोन के साथ चिट्ठी लिख के मोदी जी को भी संदेश देंगे कि अगर हमारी बात नहीं माने तो अभी तो थोड़ा कतरा निकला है हमारे शरीर से, अगर एक एक बूंद आखिरी बूंद लग भी हमें देनी पड़ेगी, नहीं तो हमें बिल वापिस करवाएगा मानांगे। और सरकार के बिना नुकसान के फायदे है, के फायदे बताओ है सरकार। एक तो कृषि कानून, कृषि मंत्री जो अपना हरियाणा का एक है, अपने किसानों के साथ पास है, उसके बाद जितने भी मेरे साथी यहाँ पे आए हुए हैं प्रण ले लो, जब लग ये बिल वापिस नहीं होंगे आपने कर नहीं वापसी करनी है, आपने सरकार तक सरकार के घुटने टिकवाने हैं। इतने समय है सरकार दुकान का, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने झूठी दिलासा देकर आप उड़ा खड़े कर रखे हैं स्टेज पे, या नो बतारी भूखे वाला रोड पे रहे हैं, आपन अपनी जमीन गुजर कट हो रहा है। और अगर अब भी समय निकल गया तो आगे आने वाला टाइम ऐसा कोई आंदोलन नहीं खड़ा होगा जितना मजबूत आंदोलन यू खड़ा है। तो मेरी सभी साथियों से विनती है, एक और करो भाईचारा बनाए रखो। 36 एक इंकलाब, इंकलाब जोर के साथ, जोश के साथ, इंकलाब जय जवान, जय जवान, किसान एकता, राम राम, धन्यवाद।